पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इसीलिए कहा गया है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अच्छा और? और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो राइट साइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब स्थिति हो गई है नाउ कंट्रीज मूविंग इन राइट डायरेक्शन। बहुत दिन रॉन्ग डायरेक्शन में चल लिया, अब राइट डायरेक्शन में चल रहा है। आपने जिन नेताओं की बात याद दिलाई, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई, मैं दो चार और बता देता हूं। पता नहीं क्या होता है कि जब नेता लोग आपकी तरफ खड़े होते हैं तभी ये भाषा क्यों बोलते हैं। अब बताइए, हमारी साथ थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जय श्री राम बोलते थे, और बसपा के साथ थे तो कहते थे ब्रह्मा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इतना ही नहीं, बसपा सरकार में यह भी नारा लगा लेते थे कि ब्राह्मण संघ बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। अब पता नहीं क्या हो जाता, आप क्या जाते हैं। लेकिन सिर्फ मनोज यादव को कम लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 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 ये मनोज यादव को कम लोग नहीं दिख रहे हैं, आपके पुराने साथी शॉटगन सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा साहब को भी कम लोग दिख रहे हैं। गद्दारी कर बे तोरी बहन के चुगम, गद्दारी कर बे। थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे अच्छा भला आदमी, सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा जी वो व्यक्ति हैं जो 1980 से, भाई इसको हटा दो, भाई ये मत करो, ये इसको हटाइए। अरे कहना क्या चाहते हो? ये शत्रुघ्न सिन्हा जी वो व्यक्ति हैं जो 1980 से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अटल जी की फोटो 80 के दशक में लगाते थे, इतने दिन तक साथ रहे। पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही व्यक्ति इनके यहां चला जाता है पता नहीं क्या बोलने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे। ओके मनोज, मनोज यादव आपका रिप्लाई जरूरी हो जाता है, शार्प रिप्लाई 40 सेकंड। मनोज यादव अभी मजा आएगा ना भिड़ो, चलिए शुरू करते हैं। चाहे निषाद हो, कश्यप हो, बिंद हो, कहार हो, कुमार हो, उन सब ने कहा था कि हमें ओबीसी से एससी में कन्वर्ट होना है, तो वो तो दिया नहीं आपने। और आज भर का जो सामाजिक न्याय का रिपोर्ट है वो आपने लागू नहीं की, तो सवाल तो उठेंगे। ईश्वर की आड़ में अगर छिपने की कोशिश करेंगे सुधांशु जी और बीजेपी के लोग, तो जनता आपको एक्सपोज कर देगी। श्लोक श्लोक पढ़ने से कुछ नहीं होता है, संस्कृत के दो ठो श्लोक सुना देने से आप हिंदू नहीं हो जाओगे। लवणे न भोज्यम। गजब बेइज्जती है। वैसे सुधांशु जी आप मुझसे छोटे हिंदू हो, और छोटे हिंदू होने के नाते मैं आपको माफ करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हिंदू हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, आपका कोई वंश पता नहीं किस तरह का है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी ओके, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है, सुधांशु जी का जवाब जरूरी है। देखिए इनकी बात का भी जवाब देता हूं। देखिए जब आदमी के पास जवाब नहीं होता है तो वो आ जाता है व्यक्तिगत आक्षेप के ऊपर। बहुत अच्छी बात कही, आप तो यदुवंशी है ना, तो बताइए कृष्ण जन्मभूमि पे औरंगजेब वाली मस्जिद रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की, अभी देखिए एक्सपोज हो जाएगा, बोलिए। बिल्कुल जवाब दूंगा, जवाब दूंगा, बिल्कुल जवाब। चुप, सन्नाटा। गजब डूबी बाज आदमी, क्योंकि यदुवंश में भगवान कृष्ण की महिमा से ऊपर वोट की महिमा नहीं आ रही क्या? खत्म। चुप, सन्नाटा, सन्नाटा। बताइए ना, आपके कान में आवाज नहीं जा रही है क्या? बोल तो रहा हूँ, सुन लो तो। थोड़ा सा चुप सन्नाटा नहीं, बहुत तेजी से आवाज जाएगी। भगवान कृष्ण ने हमसे कहा कि दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, पिछड़ों, दलितों और किसान मजदूरों की आवाज उठाना, मंदिर की आवाज जब हम चाहेंगे तब उठा लेंगे, और जहां चाहेंगे तो उठाइए ना, अभी तो सवाल उठ रहा है। हम जनता की आवाज, भगवान की आवाज सुनो। हम इसी ओके, सुधांशु, सुधांशु रिप्लाई, आप जवाब। सुधांशु जी सुनिए, मैं माता जो इसमें आया